नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, नहीं तो जो कॉलम जो है पिलर फाउंडेशन से आएगा ऊपर, कॉन्ट्रेक्टर क्या करेगा, इस लाइन से इस लाइन में कर देगा। मतलब क्या हो गया कि यह मेरा कॉलम नीचे से फुटिंग से आया हुआ है, तो कॉन्ट्रेक्टर क्या करे, एकदम जगल मार करके ऐसे करके, बहुत बड़ा मिस्टेक है, जगल मार करके इसको जैसे करके इधर कर देगा, मतलब कि ये पोजीशन में। अब जैसे ही इस पे छत का लोड आएगा, बीम का लोड आएगा, उसके ऊपर जो सामान रखा जाएगा, भाई ये करेक्ट करेगा नहीं करेगा। अगर इस बारे में अगर आप कॉन्ट्रेक्टर से पूछेंगे भाई ऐसा क्यों किया, ये गलती होता क्यों, होता इसलिए है कि भाई कॉलम का पोजीशन वो सेंटर लाइन जिस समय फुटिंग करता हूँ सेंटर लाइन मिलाता नहीं है, यानी कभी कभी ऑनर का भी गलती है, वो भी बताएंगे हम। तो अब सेंटर लाइन नहीं मिला है, अब कॉलम भाग गया इधर, अब उसको इधर लाने के लिए भाई थोड़ा सा सरिया को ऐसे जगल मार देगा 8 इंची 9 इंची 1 फीट तक और उसको कर देगा। अब लोड आएगा तो भाई आप खुद ही समझ लीजिए क्या हो गया। तो हम बस इसमें यही कहेंगे, तो आप कॉन्ट्रेक्टर से पूछेंगे क्या बोलेगा वो, कह रहे हम तो इतना साल का एक्सपीरियंस है, हम इतना घर बनाए तो कोई तो टूटा नहीं है। ये देखिए क्या, ये भी कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा ही बनाया हुआ घर है, जो कि क्या हो कि समय से पहले ही जो है आपका वो जो है क्रैक कर गया, दीवाल वाल सब चीज, दीवाल में सब जगह, स्लैब में सब जगह क्रैक कर गया। आखिर हमें जो है घर बना रहे हैं तो हमें सावधान रहना। और हाँ बता दूँ, सारा कॉन्ट्रेक्टर ऐसा नहीं करता है और इंजीनियर कभी ऐसा अलाउ नहीं करेगा, भले ही उसके बगल में एक नया कॉलम बना देगा लेकिन वो कभी अलाउ नहीं करेगा इस चीज़ को लेकर के। तो हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा सावधान रहिए और ज्ञान जो भी है कि अगर कुछ भी डाउट होता तो दूसरों से पूछ लीजिए। अगर आप हमसे ही बात करना चाहते हैं, हमसे आप बेहिचक बात कर सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो है अबाउट टाइम में है, आप मुझे कॉल कीजिए, 5 से लेकर 8 बजे तक मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ शाम का। और नंबर मेरा जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अब हम बात करते हैं, तो अब जगल जो मारता है कॉन्ट्रेक्टर, और दूसरा बात करते हैं ओनर का, तो ओनर लोग भी कभी कभी क्या बोलेगा कि अपना ज़मीन जितना है, अगर बगल वाला ज़मीन अगर 1 इंची भी नहीं छोड़ा है ना, हम भी उतना ही नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे फुटिंग भले ही फुटिंग बनाने में दिक्कत हो रहा, थोड़ा कॉलम आगे खिसका लिया, लेकिन बाद में ग्राउंड फ्लोर में कॉलम का सरिया कैसे घुमा करके ऊपर कर लेगा, दोनों का गलती है। मैंने पहले बताया कॉन्ट्रेक्टर का, फिर ऑनर का भी ध्यान रहे, ऐसा गलती ना करे। झूठ मूठ का आप 1 इंची 2 इंची चाहे 9 इंची बचाने के चक्कर में आपका पूरा पैसा बर्बाद, घर क्रैक हो जाएगा, फिर लेते रहिएगा। तो कभी भी जगल नहीं है मारना, अगर जगल मारना भी तो 1 इंची, ना कि 10 इंची 12 इंची, ठीक है। और हम बात करते हैं तो अब इसका ऑप्शन क्या है, अगर ये गलती हो गया इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। हम तो बोलेंगे जहाँ से आपका जो वर्टिकल कॉलम पर एनफोर्समेंट गया हुआ है वहाँ पे फिर से लेके आ जाइए, और इसको जो है कैंटिलीवर पे आप बीम को डाल सकते हैं, हो गया समाधान। मतलब है कि लोड आपका कॉलम टू कॉलम ही सेंटर सेंटर ट्रांसफर होगा, और कैंटिलीवर पे आप जो है जो निकला रहेगा उस पर बीम डाल दीजिए, उस पर ब्रिकवर कर दीजिए, हो गया समाधान, बहुत ही आसान उपाय। लेकिन कभी भी कॉलम को तो आप ऐसा ना करें, गलती ना करें। अगर आपका जो है फेस में है आ रहा, उस जगह पर आप जो है फुटिंग बोलेंगे सर, फुटिंग देने में उधर तो भी जाएगा, चारों साइड जाता है वो, उसके जगह इसेंट्रिक फुटिंग भी होता है, इसेंट्रिक फुटिंग बारे में मैंने बताया है, और यानी तो पाइल फाउंडेशन आप कर सकते हैं। और साथ ही आप जो है मैंने अगर इसेंट्रिक फुटिंग चाहे पाइल फाउंडेशन, और इसका उपाय मैंने क्या बताया, कैंटिलीवर इतना निकाल, 1 फीट निकाल करके उसके ऊपर बीम दे दीजिए, ब्रिकवर्क दे दीजिए। हाँ भलो ही तो आपको जो थोड़ा सा बीम दिखेगा, लेकिन उससे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा साइड में दिखेगा, वो आपको प्लास्टर मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा गलती ना करे तो सही रहेगा, तो सारा पैसा बर्बाद, जितना पैसा आप कमाए घर बनाने में लगाए और पूरा घर करेक्ट देखने में लोग भी देखेगा तो बोले कैसा घर बनाया, कैसा कॉन्ट्रेक्टर था। और कोशिश कीजिए किसी अनुभवी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से संपर्क में आकर के घर बनाए, नहीं तो कॉन्ट्रेक्टर आपको कुछ भी पढ़ा देगा, आप बोलेंगे हाँ सही है बोल रहा है, फिर गया काम से आपका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद दोस्तों।